बाढ़ पर बिहार का विपक्ष चाहे जितना शोरगुल मचा ले, लेकिन 24 घंटे तटबंधों की निगरानी सामग्री कार्यस्थल पर एकत्रित रखकर और पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करके जलस्तर के बढ़ने की स्थितियों का 72 घंटे पहले का अलर्ट, जिसके जरिए तटबंधों के अंदर रह रहे लोगों को सही समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का या पहुंचाए जाने का प्रबंधन विकसित किया जा सके, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात करना, एक एसओपी के जरिए राहत प्रबंधन और जो आपदा प्रबंधन के जो रोडमैप पर काम हुए हैं उससे कई स्थानों पर लोगों को राहत पहुंची है। और निसंदेह नेपाल में जो असाधारण वर्षा हुई है और बिहार में भी जलग्रहण क्षेत्रों में काफी बारिश होने के बाद 1987 और 2017 के उच्चतम जल स्तर को भी इस बार कई नदियों ने पार कर लिया और इसीलिए ये हालात एक चुनौती के तरह देखे गए और राज्य सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में असाधारण फैसले लिए हैं। इसीलिए कठिनाइयां कम हो ये बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के किसान परेशान हैं, किसानों के इस बाढ़ में खेत के साथ साथ किसान भी डूब रहे हैं। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने सरकार पर हमला बोला है, सरकार को किसानों की चिंता नहीं है, पूरा किसान परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, इसके बावजूद सरकार सोई हुई है। नेता विरोधी दल के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी को बिहार के किसानों की चिंता है, नौजवानों की चिंता है, इसलिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सरकार के लोगों के पास जवाब नहीं है नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी के सवालों का। सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है।